गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मेरा नाम है संजय भंडारी और आज हम क्लास 11th का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों, क्लास 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे केमिस्ट्री के। तो केमिकल बॉन्डिंग अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी सारे कंसेप्ट जो आगे आने वाले चैप्टर में हैं, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, उसके सारे कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग क्लियर करेगा। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला ये सवाल पैदा होता है कि हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के क्या फ़ायदा है? कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के क्लियर होंगी? ऐसे कौन से फंडामेंटल है जिनका केमिकल बॉन्डिंग से काफ़ी गहरा रिलेशन है? तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपके क्लियर करेगा। बहुत सारे फंडामेंटल आपके केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, वन बाय वन देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। धीरे धीरे आपने पढ़ना है, वन बाय वन चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करके ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट ध्यान से पढ़ना है, बार बार रिपीट करके पढ़ना है और साथ में बच्चों नोट्स भी बनाने जरूरी है। ऐसा नहीं कि लेक्चर देखा और बस गए। तो जो जो मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा वो आपको अपनी एक नोटबुक में नोट करते जाना है और जब भी रिवीजन का टाइम आएगा तो उसी को आपको रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। तो केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11, तो हेडिंग डालिए केमिकल बॉन्डिंग, डेट डाल दीजिए लेक्चर 1। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ और उन्हीं सवालों से हम शुरुआत करेंगे कि उन सवालों का जवाब ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कैसे देगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए बच्चों, क्या कोई एटम फ्री स्टेट में रह सकता है? नहीं, कुछ एटम को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ एटम, 99% एटम फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं। तो एटम किस स्टेट में रहते हैं? एटम बच्चों कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, और कंबाइंड स्टेट वाली एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल हमारे पास सोडियम। सोडियम एक एटम है, लेकिन बच्चों सोडियम अपनी फ्री स्टेट में नहीं रहता है। सोडियम किस स्टेट में रहता है? कंबाइंड स्टेट में। और किसके साथ कंबाइंड होता है? क्लोरीन के साथ कंबाइंड होता है, और के साथ भी कंबाइंड हो सकता है, लेकिन मैंने एक यहां पर मॉलिक्यूल लिखा है सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम की फ्री स्टेट है और ये सोडियम की कंबाइंड स्टेट है। यहां पर सोडियम की फ्री स्टेट को हम बोलेंगे सोडियम का एटम, ये सोडियम का एटम है, लेकिन सोडियम अगर दूसरे एटम के साथ कंबाइंड है तो बच्चों हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। समझे मेरी बात? तो कोई भी एटम, कुछ एटम को छोड़ दिया जाए, तो एक्सेप्शन हमारे साथ रहते हैं, कुछ एटम को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ एटम अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? अपनी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सपोज NaCl। अच्छा, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन किस फॉर्म में रहता है? CO2 के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन CO2 के फॉर्म में रहता है। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में आपको मिलता है? अमोनिया के फॉर्म में मिलता है। तो और भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहां पे बता दिया। ठीक, तो क्या कंक्लूजन निकल के आया कि एटम कभी भी अपनी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वो अपनी कंबाइंड स्टेट में रहता है, यानी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से अराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, वाई एटम कंबाइंड, नोट करो, है ना बच्चों, वाई एटम्स कंबाइंड, या दूसरे तरीके से मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, वाई एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन दियर फ्री स्टेट। भाई ऐसा क्या है कि सोडियम अपनी फ्री स्टेट में नहीं रह पाता, वो NaCl की फॉर्म में रहता है, ऐसा क्यों? तो पहला क्वेश्चन है वाई एटम कंबाइंड। अब कुछ एटम में बच्चों आपको बताता हूं जो अपनी फ्री स्टेट में रहते हैं। सपोज मान लीजिए मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम अपनी फ्री स्टेट में रहता है, हीलियम मॉलिक्यूल ही बनाता है। ठीक है, तो हीलियम एग्जिस्ट इन
फ्री स्टेट। यस, लेकिन सोडियम नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब भी आपको केमिकल बॉन्ड में मिलेगा। चलो दूसरा बात करते हैं, नियोन। नियोन भी फ्री स्टेट में रहता है, ठीक है। तो कुछ एटम ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं, कुछ क्या, मैक्सिमम एटम इनके अलावा फ्री स्टेट में रहते नहीं है, वो अपनी कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। भाई अगर आपको नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन एटम को पकड़ना है तो कहां से पकड़ोगे? उसके मॉलिक्यूल से पकड़ोगे। कार्बन को पकड़ना है तो उसके मॉलिक्यूल से पकड़ोगे। ऑक्सीजन को पकड़ना है तो उसके मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा, तभी जाके एटम मिलेगा। तो एटम हमें मॉलिक्यूल से मिलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमने बनाया व्हाई एटम्स कंबाइंड, इसका जवाब आगे आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल। देखो व्हाई सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम पॉसिबल, जिसको मैं हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने, व्हाई सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं एटम लिखेंगे, है ना, यहां पर एटम्स पॉसिबल। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे देखते हैं, कुछ ही टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं CO2, यस पॉसिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉसिबल है, लेकिन बच्चों CO5 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों है? CO2 पॉसिबल है, CO5 पॉसिबल नहीं। चलो दूसरा देखो, NH3 पॉसिबल है, लेकिन बच्चों NH4 पॉसिबल नहीं है। हाँ NH4+ पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों? अच्छा इसके ऊपर ये प्लस चार्ज कहां से आ गया? ठीक, दूसरा CO3 पॉसिबल नहीं है, लेकिन CO3- पॉसिबल है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? ठीक है, अच्छा देखो PCl5 पॉसिबल है, लेकिन PCl2 पॉसिबल नहीं है, वाई? तो बच्चों एटम जो है सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, NaCl पॉसिबल है, लेकिन NaCl2 पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाई सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स पॉसिबल, इसका जवाब भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा, ठीक है, नोट करते जाओ, है ना। तो जब आप सवाल पैदा करोगे तभी आपको जवाब मिलेगा और तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा, व्हाई सर्टेन एटम्स कंबाइंड व्हाइल अदर्स आर नॉट, यानी कुछ ही एटम कंबाइंड हो सकते हैं, लेकिन एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बच्चों कार्बन की बात करूं तो कार्बन कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ कंबाइंड हो सकता है, लेकिन बच्चों कार्बन फॉस्फोरस के साथ कंबाइंड नहीं होता है, हीलियम के साथ कंबाइंड नहीं होता है, और सोडियम के साथ कंबाइंड नहीं होता। जनरली ये इनके कॉम्बिनेशन कार्बन के साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पॉसिबल है। तो ऐसा क्या है भाई, कार्बन की इनके साथ क्या दुश्मनी है? इनके साथ दोस्ती निभा रहा है, इनके साथ दुश्मनी निभा रहा है। सेम कंसेप्ट अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ पॉसिबल है, लेकिन नाइट्रोजन बच्चों आयोडीन के साथ कंबाइंड नहीं होता है, नाइट्रोजन ब्रोमीन के साथ कंबाइंड नहीं होता है, नाइट्रोजन जो है आर्सेनिक, चलो आर्सेनिक लिख लेते हैं, आर्सेनिक के साथ कंबाइंड नहीं होता। तो बोलने का मतलब है कि नाइट्रोजन इनके साथ तो कंबाइंड हो रहा है, लेकिन इनके साथ कंबाइंड नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है? इसका जवाब भी हम केमिकल बॉन्डिंग में देंगे, है ना। तो सवाल पैदा होंगे तो जवाब मिलेंगे, और जब जवाब खोजोगे तो नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट
वाई मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो सब लोग समझते होंगे, शेप, एक थ्री डायमेंशनल शेप। आप देखो कैसा, जब भी बच्चों वाटर लिखते हैं ना तो कई बच्चे समझते होंगे कि वाटर कैसा भी लिख लो भाई, ऐसा लिख लो चलेगा, लेकिन ये गलत है। अगर एग्जैक्ट ज्योमेट्री देखी जाए वाटर की, तो बच्चों वाटर को ऐसा लिखा जाता है, देखो इस तरह लिखा जाता है वाटर को, और यहां पर जो एंगल बनता है वो बनता है 105 डिग्री। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पर इसके जो है दो इलेक्ट्रॉन इधर और दो इलेक्ट्रॉन इधर लगा देते हैं। ये क्यों ऐसे लगे होते हैं ये भी आपको बाद में बताऊंगा। और ये ऐसा क्यों हुआ, ये बच्चों गलत है, वाटर को एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन ये तभी लिखा जाता है जब हम सर्टेन क्वेश्चन पूछते हैं और कहीं पर ऐसा कुछ हो कि ज्योमेट्री के बारे में क्वेश्चन आए, तभी जाके ये लिखना है, जनरली ये लिखा जाता है। ठीक है, समझ में मेरी बात आ गई। दूसरी चीज, अगर मैं अमोनिया मॉलिक्यूल को देखो, अमोनिया, तो बच्चों अमोनिया कैसा होता देखो, एन एक दो तीन और इस तरह से एक एच दूसरा एच, इस तरह लिखा जाता है अमोनिया को। और यहां पर जो एंगल बनता है वो बनता है 107 डिग्री। देखो अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, चलो भाई कैसा भी लिख लो अमोनिया, नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगा, ऐसा ही लिखा जाता है। तो बोलने का मतलब है बच्चों कि हर मॉलिक्यूल की एक खास तरह की ज्योमेट्री होती है ना। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की ज्योमेट्री को हम नाम देंगे बेंट, और अमोनिया की ज्योमेट्री को हम नाम देंगे पिरामिडल। अच्छा ये शब्द कुछ थोड़ा आपको भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो बहुत इजी होगा। मैं केवल आपको एक पिक्चर बता रहा हूं कि हम ये सब चीजें करने वाले हैं ना, बहुत आसानी से समझ में आ गया। अभी केवल क्वेश्चन अराइज करो बस, धीरे धीरे आपको उनके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वाटर की ज्योमेट्री बेंट, इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल, चलो इनकी भी अगर समझ में नहीं आ तो भाई कार्बन, इसकी तो मालूम है सबको, CH4 10th क्लास में पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के बारे में मालूम होगा है ना। अच्छा टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, कार्बन 1, 2, 3 एंड 4 ऐसा बनता है टेट्राहेड्रल, है ना बच्चों। ये देखो दिस इज टेट्राहेड्रल, और ये एंगल कितना 109.5 डिग्री। तो ये ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि मन मर्जी जैसे भी मर्जी लिख लो, ऐसा ऐसा नहीं लिखा जाता है ना, ये गलत है, ये इसका रियल डायग्राम है, समझे मेरी बात। तो हर मॉलिक्यूल की अपनी एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, और ऐसा क्यों होता है इसका जवाब भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा। समझ में बात आ गई, तो नोट भी करते जाओ साथ साथ समझते भी जाओ, है ना। अच्छा हर किसी मॉलिक्यूल की, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हर किसी मॉलिक्यूल की बच्चों एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, Why molecule have magnetic property? Magnetic property का मतलब जब किसी molecule को आप magnetic field में रखोगे तो वो molecule magnetic field की तरफ attract होगा या magnetic field को repel करेगा, ये तो हुआ। ठीक है, यहां पर हमने कोई molecule A रखा है और यहां पर बच्चों कोई magnetic field है, ठीक है इस तरह से, तो या तो ये अट्रैक्ट होगा या तो ये रिपेल होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, ये भी जवाब आपको किसमें मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगी, बहुत सारे फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए चढ़ता है, किस टाइप की बॉन्डिंग बनती है, ये सब चीजें। ठीक है, तो एक बार फटाफट जरा सारी चीजें नोट करते जाओ, फिर मैं आप चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ चैप्टर, है ना, अभी केवल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ऐसे ऐसी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, ऐसे कई चीजें मिस हो गई तो सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। चलो नोट करो फटाफट। तो ये हो गया हमारा, ठीक समझे बात आ गई। चलो अब देखो इन सबके जवाब,
इन सबके जवाब आपको चार थ्योरीज के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। यानी केमिकल बॉन्डिंग में हम चार थ्योरी पढ़ेंगे, चार थ्योरी, वो चार थ्योरी इनके जवाब देगी। कोई थ्योरी पहले वाले का जवाब देगी, कोई थ्योरी दूसरे वाले का जवाब देगी, कोई थ्योरी तीसरे वाले का जवाब देगी, कोई थ्योरी चौथे का जवाब देगी। तो बच्चों हर थ्योरी में कुछ कमियाँ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो जो एडवांस थ्योरी होती है वो पुरानी थ्योरी की कुछ कमियों को दूर करती है, ठीक है। तो देयर आर फोर थ्योरीज, बस ये बहुत लिखना है ना, यही लिखता हूँ मैं ऊपर, है ना, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। तो केमिकल बॉन्डिंग में चार थ्योरी हैं और इन्हीं चार थ्योरी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है, सारा चैप्टर इन्हीं चार थ्योरी में बेस्ड है ना। तो इन चार थ्योरी का आप समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तो देखो देयर आर फोर थ्योरीज, ठीक है, टू एक्सप्लेन द ऑल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम। तो पहली थ्योरी है देखो कोसेल लीविस थ्योरी, KOSSELLEWIS, कोसेल लीविस थ्योरी। दूसरी थ्योरी है बच्चों वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, काफी बड़ा नाम हो गया तो शॉर्टकट में कर दूं, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं VSEPR, सबके मैंने इनिशियल ले लिया VSEPR, ये देखो तो हो जाएगा VSEPR थ्योरी, ठीक है। तीसरा है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसको भी छोटा कर देते हैं VBT, इनिशियल ले लो बच्चों इसका, है ना, देखो VBT। अच्छा चौथा है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसको हम क्या बोलेंगे, MOT, मौत तो नहीं है, खतरनाक थ्योरी है, इसलिए मौत के बराबर ही है। तो इस थ्योरी को समझना, मौत से रूबरू होना है, ठीक है, चलो समझ में बात आ रही है। तो जनरली बच्चों जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं इनका यूज करूंगा, VSEPR, VBT और MOT, है ना। तो समझ जाना चाहिए कि VSEPR का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होता है, VBT का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, MOT का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है। तो पूरे चैप्टर में बस इन चार थ्योरी के बारे में हम घिसते रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लिया सबने, ठीक है ना, अच्छे से नोट कर लेना। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। कई बच्चे बोलेंगे चैप्टर अब शुरू हो रहा है, बहुत सारे बकवास तो कर दिए, लेकिन बच्चों ओवरव्यू देना जरूरी है कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, समझ में बात आ गई, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, ठीक। अच्छा केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में नोट करते जानी साथ साथ में, ठीक है। इट इज ए फोर्स, बल है, ताकत, फोर्स कहां पर लगता है भाई, इट इज ए फोर्स विच होल्ड द एटम्स टूगेदर विद इन द मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा बात। अगर मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूं, सपोज मैं वाटर के मॉलिक्यूल को बनाता हूं, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऐसा बनता है वाटर मॉलिक्यूल H2O, और लिखते कैसे है HOH, ऐसा लिखते हैं। तो बच्चों देखो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको ना, ये बॉन्ड एक्चुअल में एक तरह का फोर्स है। तो दो एटम के बीच जो फोर्स काम करता है उसी फोर्स को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो दिस इज
टाइप ऑफ फोर्स और केमिकल बॉन्ड। ध्यान रखना, केमिकल बॉन्ड ऑपरेट बिटवीन एटम, ठीक है, तो यहां पर भी केमिकल बॉन्ड है। अच्छा, सपोज मैं दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूं अमोनिया, तो अमोनिया को हम कैसा लिखेंगे, एन एच एच, अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं रियल वन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी दो एटम के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसी को हम बोलेंगे बच्चों केमिकल बॉन्ड। तो सीधी सी बात है, केमिकल बॉन्ड का मतलब एक ऐसा फोर्स जो दो एटम को बांधे रखता है, अट्रैक्ट रखता है, कंबाइंड रखता है विद इन द मॉलिक्यूल। यानी अगर आप इस पर धक्का दोगे तो पूरा मॉलिक्यूल आगे जाएगा, ऐसे नहीं कि ये अलग हो गया अलग हो। तो इस बॉन्ड को आप फिजिकल तरीके से अलग कर ही नहीं सकते हो। आप चाहोगे कि मैं वाटर के ORH को तोड़ दूं, दो पीस कर दूं तलवार से, पॉसिबल नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो पूरा OH के साथ ही जाएगा, जाता रहेगा। समझ में बात आ गई? तो बच्चों केमिकल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि दो एटम के बीच में एक खास तरह का फोर्स काम करता है जो दोनों एटम को पकड़ के रखता है, वो उनको जाने नहीं देता कभी भी, है ना। आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा, पूरा मॉलिक्यूल के साथ साथ जाता रहेगा। इस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो कोई भी आप फॉर्मूला बनाओ, सपोज अगर मैं NaCl की बात करता हूं, है ना, NaCl मॉलिक्यूल, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में, सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक तरह का फोर्स काम कर रहा है जो सोडियम और क्लोरीन को आपस में बांधे रखता है, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। समझ में आ गया? अच्छा देखो, कभी कभी केमिकल बॉन्ड को हम एक लाइन, एक लाइन, दो लाइन या तीन लाइन, वो बाद में बताऊंगा मैं, एक मतलब लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों कोई भी लाइन नहीं होती है, ध्यान रखना, है ना। तो वो आयनिक और कोवलेंट का कंसेप्ट है, अभी बाद में आएगा। तो या तो फोर्स को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम केवल एटम लिख देते हैं बस। तो फोर्स तो दिखता तो है नहीं, ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा फोर्स इस टाइप का है, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर मैं कोई एटम लिख रहा, सॉरी कोई मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, तो हमेशा उन दो एटम, जितने भी एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, सब आपस में कंबाइंड होंगे थ्रू केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन नोट करो और फटाफट एग्जांपल भी नोट करो। हो रहा है नोट धीरे धीरे? ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। समझ में बात आ गई? अब आगे केमिकल बॉन्ड हो गया, अब आते हैं मेन हमारे जो थ्योरीज है ना, चार थ्योरी है। तो पहली थ्योरी पकड़ते हैं, तो पहली थ्योरी कौन सी थी हमारे पास, याद है किसी बच्चे को? फटाफट देखो अपनी नोटबुक में, कोसल लिविस थ्योरी, कोसल लिविस थ्योरी, ठीक है, यही था, यही था भाई, यही था, है ना, यही था, यही था, कोसल लिविस थ्योरी। चलो तो अब थ्योरी क्या बोलती है, देखो कोसल लिविस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, कई बार थ्योरी के दो तीन नाम होते हैं, किसी और नाम से पूछा जाए तब बोलोगे सर ने तो बताया नहीं, तो सारे नाम पता करने चाहिए आपको कि इस थ्योरी के दूसरे नाम से कैसे जानते हैं। तो कोसल लिविस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, क्या, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो बच्चों ये देखो वैलेंसी वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो उसमें मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में आपको बताया था, याद है ना सबको, दोबारा बता दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी ऑर्बिट में रहते हैं, उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वही वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग। क्लियर हो रहा है? अभी डिस्कस कर लेते हैं, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा बच्चों, कोसल लिविस थ्योरी क्या बोलती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं ना। तो कोसल लिविस थ्योरी हमारे जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे, पहले क्वेश्चन का जवाब देती है कि वाई एटम कंबाइंड, ये थ्योरी बताती है, ठीक है, वाई सर्टेन एटम कंबाइंड, वाई सम एटम्स नॉट कंबाइंड। देखो
दिस थ्योरी एक्सप्लेन, दिस थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइंड। ठीक है, देखो बच्चों, इसका एक लाइन में अगर मैं जवाब दूं कि क्यों एटम कंबाइंड होते हैं, द रीजन इज बिकॉज एटम आर वेरी अनस्टेबल, बिकॉज एटम्स आर अनस्टेबल। भाई जो चीज अनस्टेबल होगी वो फ्री स्टेट में कैसे रह सकती है, ये तो हुआ ना। तो जैसे मैंने बोला कि एटम अपनी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, इसका रीजन एटम्स आर अनस्टेबल, और अनस्टेबल होगा तो क्या चाहेगा भाई, मैं स्टेबल हो जाऊं, हर कोई चाहता है ना भाई। जैसे पढ़ लिख गए तो आप क्या चाहते हैं, नौकरी करनी है, सेटल होना है, शादी करनी है, सेटल होना है ना, ये तो हुआ। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपनी, वो अनस्टेबल है, जब वो शादी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो स्टेबल हो जाएंगे, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो यही एटम के साथ भी होता है, एटम अपनी फ्री स्टेट में होता है तो वो अनस्टेबल होता है, और जब वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है। समझ में मेरी बात, समझ में आगे बात। तो बिकॉज एटम्स आर अनस्टेबल सो दे वांट्स टू स्टेबल, अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहेगा, इसीलिए बच्चों एटम कंबाइंड होते हैं। तो अगर सपोज मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम एटम अपनी फ्री स्टेट में है तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। और जब ये किसी और एटम के साथ, मान लिया जाए क्लोरीन के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना लेता है तो अब ये स्टेबल हो गया। समझे मेरी बात। तो हर कोई एटम अपनी फ्री स्टेट में अनस्टेबल होता है, जब किसी दूसरे एटम के साथ वो मिल जाता है तो वो मॉलिक्यूल बना लेता है, और उसी मॉलिक्यूल को हम स्टेबल फॉर्म ऑफ एटम बोल सकते हैं। तो जवाब मिल गया आपको कि एटम क्यों कंबाइंड होते हैं। अच्छा, अब बच्चों यहां पर एक चीज आपको समझनी है, ये जो अनस्टेबल है इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये अनस्टेबल है, और जब ये क्लोरीन के साथ मिल गया तब स्टेबल हो गया, तो ऐसा क्या चेंज आ गया सोडियम में, ये तो है ना। पहले इस एटम के अंदर ऐसा क्या नहीं था कि ये अनस्टेबल था, अब इस एटम के अंदर ऐसा क्या हो गया है, क्या चेंजेस हो गया है कि ये स्टेबल हो गया, ये तो है ना सवाल पैदा होता है भाई। अभी भी सोडियम है, बाद में भी सोडियम है, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या इसके बिहेवियर में चेंज आ गया कि स्टेबल हो गया, अब इसको किसी की जरूरत है नहीं, लेकिन पहले अनस्टेबल था, इसको ही ढूंढना है हमने। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों इसका जवाब मिलेगा आपको किससे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में बात आ रही, तो नोट करते जाना, ये बात है ना, लाख टके के बाद बोल दी मैंने, कभी कभी हो जाता है, मुंह से छूट जाता है कभी कभी, गोल्डन वर्ड्स। तो मौलिक बात हुई थी कि एटम में पहले ऐसा क्या नहीं था और बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो स्टेबल हो गया, तो बच्चों ये जवाब मिलेगा आपको पीरियोडिक टेबल में। तो जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप है, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट अनस्टेबल है, अनस्टेबल नहीं स्टेबल है। द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, सॉरी, इज वेरी स्टेबल। एक ऐसा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और एटम के कंपैरिजन में, क्या बता सकते हो उस ग्रुप का नाम, उस ग्रुप का नाम है बच्चों ग्रुप 18। इसीलिए हम ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप, ये तो हुआ ना। इनर्ट गैस इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जितने भी एटम है वो किसी और के साथ कंबाइंड ही नहीं होते हैं। और क्यों कंबाइंड होते हैं, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, और क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी स्टेबल। तो कुछ एटम ऐसे हैं जो अपनी फ्री स्टेट में स्टेबल रहते हैं,
और वो एटम कहाँ होते हैं बच्चों, 18 ग्रुप के एलिमेंट के साथ, 18 ग्रुप के सारे जो एलिमेंट है वो सारे एटम। अब देखो 18 ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है हीलियम, उसके बाद आता है बच्चों नियॉन, उसके बाद आता है आर्गन, उसके बाद आता है क्रिप्टन, उसके बाद आता है जिनॉन, उसके बाद आता है रेडॉन। दीज आर 18 ग्रुप एलिमेंट। और बच्चों 18 ग्रुप एलिमेंट की सबसे खास बात क्या होती है, दे आर अवेलेबल इन दियर फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में तभी रह सकते हैं जब स्टेबल होंगे। तो 18 ग्रुप के अलावा और कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, केवल और केवल 18 ग्रुप के एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में रहते हैं बिकॉज दे आर स्टेबल। तो भाई साइंटिस्ट ने सोचा कि हीलियम तो स्टेबल है या नियॉन तो स्टेबल है, फ्री स्टेट में रह सकता है, लेकिन सोडियम में ऐसा क्या है? ये तो है ना सवाल पैदा होता है कि भाई जब नियॉन और हीलियम स्टेबल हो सकते हैं तो सोडियम स्टेबल क्यों नहीं हो सकता? तो जवाब ढूंढा गया इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जवाब वहां था। देखो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8, आर्गन का 2-8-8, क्रिप्टन का 2-8-18-8, जिनॉन का 2-8-18-18-8, रेडॉन का 2-8-18-32-18-8। देख लेना ना, मैंने आपको बताया था। अब देखो बच्चों सवाल है कि सोडियम क्यों अनस्टेबल है और हीलियम और नियन क्यों स्टेबल है। देखो ध्यान से देखो, है ना, अब जवाब मिलने वाला आपको कि सोडियम के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि अनस्टेबल हो गया या किसी और के साथ। तो बच्चों हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए, मैं थोड़ा सा इसको छोड़ देता हूं, है ना, बाकी को पकड़ते हैं, हीलियम की बात में करेंगे। तो देखो बच्चों हर किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एवरी एटम हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नोट करो फटाफट, ऑल एटम एक्सेप्ट हीलियम, है ना, ध्यान रखना हीलियम छोड़ दिया मैंने, ऑल एटम्स हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो हुआ, ध्यान रखना है ना। तो सब एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। 8 वैलेंस का मतलब बच्चों लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है ना, ये 8, बाकी नहीं गिनेंगे हम, है तो ज्यादा, लेकिन हम केवल लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सबसे बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, तो वो है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कहानी बनी, ये थ्योरी बनी कि जिन एटम के सबसे लास्ट ऑर्बिट में, देखो क्या बोलने वाला हूं मैं, जिन एटम के सबसे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो हुआ, क्योंकि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे, तभी तो स्टेबल है। दूसरी कहानी क्या बनी, दे आर स्टेबल, द स्टेबिलिटी, दे आर स्टेबल बिकॉज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस ऑर्बिट। ये तो हुआ। तो अब स्टेबिलिटी की डेफिनेशन किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पर, और वो बच्चों कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, तभी जाके वो वैलेंस, तभी जाके वो स्टेबल होगा। तो अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि वही एटम स्टेबल होगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बच्चों जिस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट। तो 8 हो जाएंगे तो यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसके अलावा अगर आप और एटम देखें तो क्या 8 होते हैं, नहीं होते, कभी भी नहीं होंगे, इनके अलावा होंगे नहीं। सपोज अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 2-8-1, देखो 8 नहीं है। फ्लोरीन 2N7, देखो 7 है,
कोई भी एटम ले लो आप, कार्बन 2N4 देखो 4 है, नाइट्रोजन 2N5 देखो 5 है, तो कोई भी एटम लिख लो आप इनके अलावा, उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कभी होंगे नहीं। इसीलिए बच्चों इनके अलावा जो भी एटम होते हैं वो हमेशा अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये तो हुआ, समझ में आ रहा है? तो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन हमने किससे बनाई? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे ऑक्टेट। अब देखो बच्चों, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अच्छा, वैलेंस ऑर्बिट है ना, वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब देखो बच्चों, मैं वैलेंस ऑर्बिट नहीं बोलूंगा, मैं ऑक्टेट कंप्लीट बोलूंगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट समझ जाना चाहिए कि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ओनली दोज एटम आर वेरी स्टेबल हैविंग कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये तो हुआ, ठीक। और बाकी एटम अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो सीधी सी बात है कि जो एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ, यानी जो एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा वो स्टेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बच्चों अगर सोडियम के पास किसी वजह से यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो कंप्लीट, फ्लोरीन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन के पास अगर 4 आ जाते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो बच्चों यही रीजन है कि एटम अनस्टेबल होता है, और जब वो अपने मॉलिक्यूल बनाता है तो स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम अपनी फ्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन जब वो कंबाइंड हो जाता है किसी और एटम के साथ तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल हो गया, तो अब उसको जरूरत नहीं, समझ में बात आ गई, ठीक है। तो नोट करते जाओ फटाफट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी देखो आप एटम लो और उसका मॉलिक्यूल लो, एटम में बच्चों उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बाद में बताऊंगा जब मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको पढ़ाऊंगा कि ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है, ठीक है। तो अभी ये ऑक्टेट कंप्लीट और ऑक्टेट इनकम्प्लीट आपको समझ में आना चाहिए, तो नोट करो जरा फटाफट, फटाफट नोट करते जाओ, ठीक है। फिर मैं 2-3 चीजें और आपको बताता हूं और फिर इसको खत्म कर, ठीक है बच्चों। तो हो गया इतना, बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, है ना, पूछना भाई, सवाल पूछो तभी समझ में आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, है ना, अब हम बात करते हैं कि किसी एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए। ये तो हुआ ना भाई, कौन से ऐसे रास्ते हैं कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाऊं, गंगा ना जाऊं। तो डियर आर टू वेज टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट देयर आर टू वेज, दो रास्ते हैं हर किसी एटम के पास अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्या लिख रहा हूं मैं, ऑक्टेट, हाँ ठीक है, ठीक, यानी स्टेबल होने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है देखो, टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर कर दे। देखो कैसे, सपोज मेरे पास ए एटम है, इसके पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा एटम है बी, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ज्यादा है
इसके पास कम है, तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे, आठ, और इसके पास भी कितने हो जाएंगे, आठ, दोनों का काम बराबर और दोनों जो है कंबाइंड आ जाएंगे, तो एटम अपने कंबाइंड फॉर्म में आ गए, तो स्टेबल हो गए, तो अब इसके पास भी आठ और इसके पास भी आठ, बहुत बढ़िया काम बन गया। तो इसने बोला एक मेरे को दे दे भाई, दे दे यार, दे दे यार, दे दे यार, है ना, रिक्वेस्ट की। इसने कहा चलो भाई मैं तेरे को एक दे लेता हूँ, तो तेरा भी काम हो गया, यानी तेरे पास भी आठ हो जाएंगे और मेरे पास भी आठ हो जाएंगे, मैं एक्स्ट्रा रख के करूँगा क्या, अचार थोड़े डालूंगा, है ना। तो इसने आठ दे दिए, इसने एक दे दिया, इसने एक ले लिया, इसको बोलते कंप्लीट ट्रांसफर। अब इसके पास आठ ही बचे, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, पहले नहीं था, ठीक, समझ गए मेरी बात। अच्छा, ये नौ ऐसे नहीं होता बच्चों, नौ होता है हमारे पास आठ और एक की फॉर्म में, तो एक निकल गया तो आठ ही बचा, समझाऊंगा फिर दोबारा ढंग से, है ना, अभी तो इतना समझो। तो इस तरह बच्चों जब कोई एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक देगा, दो देगा, तीन देगा, कितने भी दे सकता है ना, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बात खत्म। दूसरा तरीका होता है टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, बी के पास भी चार इलेक्ट्रॉन थे, अब भाई ये अपने अकड़ में, ये अपने अकड़ में, लेकिन चलो कुछ दिनों बाद अकड़ दूर हुई। इसने कहा ऐसा करते हैं कि चार तू यहां पे रख और चार मैं भी यहां पे रखता हूं, तो इसने इसके शेयर किए और इसने इसके भी शेयर किए, तो बच्चों इसके पास भी आठ हो गए, इसके पास भी आठ हो गए, दोनों का काम चल गया, ये शेयरिंग हुआ, चार तेरे चार मेरे, इनको तू यूज कर, इनको मैं यूज करूंगा, तेरे भी मैं यूज करूंगा, मेरे भी तेरे यूज करूंगा। जैसे घर में दो भाई होते हैं ना, एक ही तौलिया होता है, वो भी यूज करता है, दूसरा भी यूज कर लेता है, तो दोनों का काम चल रहा है, ठीक है, दो तौलिया लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पैसे बच गए, सेम कंसेप्ट ही पर अप्लाई होता है, तो चलता है। तो जनरल डे टू डे लाइफ में जो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उनसे उनसे आप रिलेट कर सकते हो, तो इसके भी आठ, इसके भी आठ, ठीक है, काम बन गया दोनों का, दोनों स्टेबल हो गए, अब दोनों आपस में साथ साथ रहने लग गए, ठीक है, चलो। तो दो ही तरीके हैं बच्चों किसी एटम को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या तो वो इलेक्ट्रॉन को पूरा दे दे या पूरा ले ले, कंप्लीट ट्रांसफर जिसको बोलेंगे, या तो क्या कर ले, शेयर कर ले, ठीक है, चलो, है ना। अभी बहुत कुछ आने वाला है इसमें, धीरे धीरे बताऊंगा। अब थोड़ा सा एक चीज आपको समझनी है, यहाँ पे एक वर्ड आता है बच्चों, लीविस। लीविस एक साइंटिस्ट के नाम थे, तो उनके नाम पर एक वर्ड, एक चीज हम लिखते हैं, लीविस सिंबल। व्हाट आर लीविस सिंबल, लीविस सिंबल है क्या, अगर मैं बोलूं आपको कि किसी एटम का आपको लीविस सिंबल लिखना है तो क्या करोगे, कैसे करोगे, तो पसीने नहीं निकालना है, समझना है कि लीविस सिंबल होता क्या है। तो लीविस सिंबल का मतलब होता है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम इज कॉल्ड लीविस सिंबल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ बच्चों, उस एटम के सबसे बाहरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज और लिख देता हूं मैं, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो है ना, बात ये की बताया था ना मैंने, ध्यान रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका लीविस सिंबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मेरे पास है सोडियम, सोडियम नहीं नाइट्रोजन लेते हैं, है ना, नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2n5, ये तो होता है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सात, सात को कैसे फ्रेगमेंट करते हैं, 2n5, याद होगा आप, तो पांच इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, ये हुए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाले,
तो हमको इनको रिप्रेजेंट करना है, सातों के सातों को नहीं करना है, ध्यान रखना, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, यहां पर डॉट लगाओगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो डॉट हमेशा बच्चों पेयर में लगाने हैं, जैसे दो इधर, दो इधर और एक इधर। तो नाइट्रोजन का लिविस सिंबल ये हुआ। तो क्या दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन के बाहर पांच डॉट दिख रहे हैं। तो पांच डॉट का मतलब इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पांच। ये तो हुआ। तो किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना लिविस सिंबल कहलाता है, नाइट्रोजन का लिविस सिंबल इसे। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि कार्बन का लिविस सिंबल आपको बनाना। कार्बन, सबसे पहले ये देखो कि कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6। 6 को फ्रेगमेंट कैसे करते हैं, 2N4, यानी ये जो 4 है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1, 2, 3, 4। चार डॉट एक साथ मत लगा देना, दो दो के गैप में लगाने, दो दो के पेयर में लगाने, दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, ऐसे करके लगाने हैं ना। तो हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन के बाद अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। 8 को कैसे फ्रेगमेंट करते हैं, 2N6। तो इसके ऊपर क्या होगा, 2, 2, 4, 2, 6, ये इसका लिविस सिंबल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका लिविस सिंबल कहलाता है। अब मैं सारे एटम लिख देता हूं, हाइड्रोजन से शुरू करता है। हाइड्रोजन एक डॉट, हीलियम दो डॉट, लिथियम एक डॉट, एक ही होता है ना बच्चों, 2N1, ध्यान रखना तीन होते हैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितने डॉट, दो डॉट। अच्छा, यहां पर बोरॉन भी आता है तो बोरॉन को मैं ऊपर लिख रहा हूं, कितने डॉट, तीन डॉट, सॉरी तीन डॉट है ना, दो डॉट एक साइड, एक डॉट एक साइड, चार डॉट, पांच डॉट, छह डॉट। फ्लोरीन में कितने डॉट होंगे, सात डॉट, सात डॉट। और अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन में कितने डॉट होंगे, आठ डॉट, ठीक है। तो दीज आर नोन एज लिविस सिंबल ऑफ एटम। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसके आपको लिविस सिंबल बनाने हैं। सपोज अगर मैं कैल्शियम लिखूं, कैल्शियम का लिविस सिंबल बनाना है ना। उसके बाद मैग्नीशियम का लिविस सिंबल बनाना है, सोडियम का लिविस सिंबल बनाना है, क्लोरीन का लिविस सिंबल बनाना है, फॉस्फोरस का लिविस सिंबल बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम का लिविस सिंबल बना। तो ये आपको अपनी नोटबुक में इन एलिमेंट के लिविस सिंबल बनाने हैं। करना क्या है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखाना है, बात खत्म, ठीक है। तो चलो आज यहीं पर विराम देते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।